ब्यूटीफुल कर गई चुल। सर्वात चूल आणि सर्वात कूल टीम माझ्यासोबत आहे, कपूर अँड सन्सची टीम माझ्यासोबत आहे आणि पहिला टॉस आलियाला आहे। आलिया, सबसे चूल और सबसे कूल कौन था सेट पे? मतलब हॉट तो सभी हो, पर सबसे चूल और सबसे कूल कौन था? सबसे चूल, थोड़ा चूलर ऑन सेट शकुन बत्रा डायरेक्टर हमारे। चूलेस्ट ऑफ देम ऑल, डू यू एग्री? हाँ, मैंने तो कुछ काम किया नहीं है। और सबसे कूल कौन था? सबसे कूल आई थिंक गीशु कुत्ता। ग्रैंडफादर अभी मिसिंग है, ऋषि कपूर साहब बहुत बढ़िया बेहतरीन मतलब स्क्रीन पे वो दिख रहे हैं और बहुत अच्छा है, लेकिन वो अभी मिसिंग है, तो उनके साथ काम करने का वो एक्सपीरियंस एक अपने आप में एक बहुत अच्छा है। नहीं, बहुत अच्छा था। आई थिंक इस टाइम इवन दो के हमारे सीन्स कम थे, मेरा वन ऑन वन इंटरेक्शन ज़्यादा हुआ कंपेयर टू स्टूडेंट ऑफ द ईयर, क्योंकि ज़्यादा कुछ लोग नहीं थे, सिर्फ मैं और हम थे और दो तीन वो और मैं थे और दो तीन दूसरे लोग, सॉरी, बट वॉज रियली नाइस। पर उनके साथ सेट पे रहना, उनको ऑब्जर्व करना, उनको वो थोड़े से शकुन के साथ रोज लड़ते भी थे लिटिल बिट, बट ऑल एंड ऑल आई थिंक ओवरऑल बहुत बहुत प्यार भरे इंसान है। ही इज़ वेरी कैंडिड और बहुत ही अपफ्रंट और ब्लंट है, विच इज़ वेरी नाइस। दबी दबी सी हंसी होठों पे फंसी है, गुगुरी कर रही है, हल्ला मचा रही है, पागल सी ख्वाहिश है, खुशियों की मिली है वजह। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है। सर, जैसा कि इसने कहा, दूसरी बार उनके साथ काम करने का मौका मिला। आई थिंक इस बार ही ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि उनका दूसरा पहलू जो कॉमेडिक साइड देखने को मिला, वो हमारे 90 साल के थोड़े सटियाई में दादू प्ले कर रहे हैं, मेरे दादू प्ले कर रहे हैं पिक्चर में, तो उनके साथ काफ़ी सीन्स थे और बहुत ही उटपटांग चीज़ें करते हैं वो, काफ़ी बचकानी चीज़ें करते हैं। आई थिंक उस जमाने उस एज में जो एक सेकंड चाइल्डहुड आता है वैसा। गाना भी बहुत बेहतरीन है, बुद्धू सामान, बुद्धू सामान उनके लिए हम लोग सब परफॉर्म कर रहे हैं उनके बर्थडे पे, उनकी जो एक काफ़ी ख्वाहिश थी वो पूरा करता है, यू नो, उनके बड़े बेटर। हाँ, एक्चुअली आप पिक्चर देख लीजिए, एक्चुअली वो गाने में निकल गई है, तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं पिक्चर में। कुछ कोशिश होने लगी, देखो ये बारिश सर पे चढ़ा है एक ऐसा सर, दौड़े रफ्तार में दिल की सब धड़कने, धुन कोई चल रही है कानों में दीवे से, रोशन है ज्यादा ये सुबह, हलचल जो हो रही है सीने में हो रहे थे, खुशियों की मिली है वादा। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू। बहुत उम्दा लगा, बहुत बेहतरीन लगा। आई थिंक द एक्सपीरियंस इज ऑलवेज टीच यू अ लॉट। आई थिंक खासतौर पर हम सबको जो है एक चीज़ बहुत सीखने को मिली उनसे, कि इस उम्र में भी उनका काम के बारे में इतना पैशन है कि ही इज़ पेशेंट इनफ टू सिट इन अ मेकअप चेयर फॉर 5 hours a day और 2 घंटे उतारने के लिए। तो सीइंग हिम हाउ डेडिकेटेड ही इज़ टू द क्राफ्ट इटसेल्फ रियली इंस्पायर्स यू, बट एट द सेम टाइम आई थिंक बहुत हसमुख इंसान है वो। उनका मजाक करने का अंदाज, उनका कहानी बताने का अंदाज, बहुत बड़े मेहमान नवाज हैं वो। आई थिंक आई हैव एंजॉयड थॉरली वर्किंग विद देम, ही इज़ अ डार्लिंग। Expert product action.
bending my nose, my cheeks. I'm free to do anything. And that's what's beautiful about this method. That's so nice. That's super. आलिया सिद्धार्थ, आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद अब इस फिल्म में सामने आए हो. इस दौरान अब दोनों ही बहुत ग्रो हुए हैं एज एन एक्टर और एज अ केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी है. तो अभी इस फिल्म के साथ काम करना और ये सिलेक्ट कैसे किया आपने? मैंने उनको सिलेक्ट नहीं किया, इन्होंने किया. बट आई फील के हमेशा अच्छा होता है जब आप किसी को जानते हो और वो थोड़ी सी फेमिलियरिटी है सेट पे, तो आपको उतना ही ज़्यादा फ्रीडम और थिंक या कंफर्ट महसूस होता है कुछ करने का, इम्प्रोवाइज करने का, रिएक्ट करने का. तो वो आई थिंक मेरे लिए बहुत अच्छा था. लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, देख तेरा रंग सांवला हुआ बावला, लड़की नहीं है तू गरम मामला, कुछ भी कहा नहीं जाए. तू दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवि न टंडन, नग लगाने आई है बंटन, गोली चल गई धाए. नगर विलैती ईगो में रहती, नगर विलैती ईगो में रहती, टशन दिखाती फुल, अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल. हम दोनों के लिए बहुत अच्छा था इस टाइम. आई थिंक वी कोलैबोरेटली हमने साथ में सीन्स करके हमको ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि पहली बार तो हम बहुत नर्वस थे. इस बार हम जेन्युइनली कैरेक्टर्स बन चुके थे, खुल चुके थे, कैरेक्टर्स बन चुके थे. सो वी रियली हैड फन क्रिएटिंग अ फिल्म टुगेदर. क्या कर रहे खराब है, तुम्हें घर पे नहीं पागल खाने में रहना चाहिए. बेस्ट है ना, तब तो तुम्हारा रास्ता साफ. एक मेरी मरी हुई फोटो ले, जैसे मैं बहुत क्यूट लग रहा दादू. मेरी दादी जिंदा होती तो पक्का आपकी सेटिंग कराया था. अच्छा, तेरी मम्मी नहीं है? अरे लोन का इंस्टॉलमेंट देना था. 3 साल से मैं अपने बिजनेस के लिए मैं बचा रही थी. हो गया, आज सब मेरे बिना ही शुरू हो गए. तू खाली अपने प्रॉब्लम संभाल. यार आप हर बार मुझे ताने क्यों मारते हो? तू हमेशा बच्चों के साथ रिएक्ट करता है. अच्छा शट अप राहुल, यू शट अप. फैमिली मेरी फैमिली से बिहेव नहीं करती. करेक्शन, मेरी फैमिली पब्लिक में से बिहेव नहीं करती. शुड बी हैप्पी, तुम्हारी फैमिली तो है. अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल. हाय हाय, तू किससे जानते हो? सर तुम दोनों एक दूसरे कैसे जानते हो? देख तेरा रंग सांवला हुआ बावला, लड़की नहीं है तू गरम मामला. You're funny. You're hot. I'm really funny. कर गई चुल, चलो मुझे संभालो, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल. हाँ, जैसा कि इन्हें कहा, बहुत मजा आया. आई थिंक पहली पिक्चर में हम लोग एंजॉय नहीं कर पाते थे प्रोसेस, बिकॉज काफी नर्वस थे. अभी इस पिक्चर में हम लोग ज़्यादा खेल पा रहे हैं सीन में, ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ कर पा रहे हैं. जब आप किसी को जानते हैं पहले से तो एक कंफर्ट लेवल आता है, तो आपको पता है कि आप क्या. कुछ ओरिजिनल बोल ले यार. हाँ, कॉपी क्यों कर रहे हैं? मैंने अभी भी यही बोला. सेम बोला? हाँ, एग्जैक्टली सेम बोला. आई थिंक दैट्स द केमिस्ट्री. दैट्स द केमिस्ट्री. ओह अच्छा, सॉरी मैंने सुना नहीं. ऐसे सोचते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम. मैंने सुना नहीं था, सॉरी. मैं अपना योगा पूछ रहा था. तो या तो जैसा कि इन्होंने कहा, आई थिंक इंटरेस्टिंग. आलिया की हिंदी अच्छी हो गई, इम्प्रोवाइज बहुत अच्छा करती हैं. अब हम लोग दोनों ही इम्प्रोवाइज अच्छा कर रहे हैं. आई थिंक पहले हमने बिल्कुल भी, आई थिंक स्टूडेंट ऑफ द ईयर में हमने जीरो इम्प्रोवाइजेशन करी थी. इट वॉज ऑल फॉलोइंग करंस डायरेक्शंस. और यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत खेल पा रहे हैं और डायरेक्टर को पसंद आ रहा है. होने लगा झंझट भाई तेरा होल सेट, मोशन भी देखो मेरा बनने लगा. देखो तो हसीना को आना भी करीना को, ठुमको का फीवर है चढ़ने लगा. थोड़ा हार्ड सा होके, थोड़ा जेंटल सा होके, थोड़ा सेंटी सा होके, थोड़ा मेंटल सा होके, सारे 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 लेट्स नॉट शो.
डायरेक्टर ने फ्रीडम दिया था बहुत बहुत. इनकी खासियत वही है कि काफी काफी रिलैक्स रखते हैं, एक्टर्स को बहुत फ्रीडम देते हैं. मैं कुछ काम नहीं करता, मैं सिर्फ इनको काम करा रहा हूं. आप कर लो, मैं देखूंगा क्या तो क्या हमें बोलेगा, इंस्ट्रक्शन देगा. कैमरा इधर लगाओ. अभी जैसे आपका अभी बर्थडे हुआ है, लेकिन इस साल आपके विश क्या है? अब मतलब यू आर द यंगेस्ट एक्ट्रेस डूइंग सो मेनी ग्रेट रोल्स, अब इस साल आपके क्या विश है जो आप पूरी करना चाहते हो? मेरी बस यही विश है कि लोग जाके कपूर एंड सन्स देखे थिएटर में एंड होपफुली उनको बहुत पसंद आई. दैट्स इट, मेरी बस एक ही विश है कि प्लीज जाके देखिए, या घर पे मत बैठिए, डोंट बी बोर्ड एट होम. Go and watch Kapoor and Sons. Aur ladki beautiful kar gayi chhaaye paaye kaft ka to chalaye samajh nahi aaye sand mein chum chum kar de hage hai brand mein sand mein chum chum kar de hage hai brand mein airplane mundiya de mere heel pe honde शकुंतली. जैसा ये फैमिली के बारे में ये फिल्में बोलती है, जैसे 1979 की बातों बातों में या वो सारी फिल्में थोड़ी याद आई जिसमें एक रियल कहानी होती थी या रियल इमोशंस होती थी, तो आपको ये फिल्म अभी लाना क्यों जरूरी लगा? ये बाकी शुगर कोटेड प्यार, क्योंकि मेरे को अभी बनाने दी, पहले बनाने दी, मैं पहले ही बना लेता. नहीं एक्चुअली ये कहानी नहीं, मैं एक्चुअली मुझे लगता था ओल्ड स्कूल फिल्म में तो फैमिली बहुत प्यार करती थी एक दूसरे को, तो ये उन सब की एक एंटी थीसिस है उन फिल्मों पे, जैसे हम आपके कौन है और यू नो वो पिक्चरें हैं जिसमें सब लोग इतने खुश हैं, इतने खुश हैं. Kind of, but again, that was again. Yeah, I think that world is slightly. Wo actually, मेरे को एक और picture जो बहुत पसंद है, कभी यहाँ कभी ना, और जोजिता वही सिकंदर, जिसमें एक छोटे से आप शहर में जाते हैं और वो पूरा शहर आपको एक समझ आ जाता है कि एक छोटी सी दुकान को भी समझ आए यहाँ पे कौन रहता है, यहाँ पे कौन रहता है. मेरे को वो पिक्चरें बहुत पसंद आती है जिसमें आप एक छोटी सी दुनिया को समझ लेते हैं, तो वही एक कोशिश है. क्या छुपा रहा हूँ तुझसे मैं? इस घर में कोई भी दूध का धुला नहीं है, सब झूठ बोलते हैं. और मेरे में कीड़े निकालने से पहले व्हाट डिड यू ट्राई टू सेव योर ओन ब्लडी मैरिज? पांच साल के बाद तुम दोनों यहाँ साथ आए हो, क्यों जानवरों की तरह बिहेव करना जरूरी है क्या? आ, मेरी गलती है माँ, सबको वैसे कोइंसिडेंस था. किसी खुश नहीं हो सकते, फैमिली ज़्यादा रियल लग रही है फिल्मों में, जैसे हम झगड़ा भी करते हैं एक दूसरे के साथ और ये सब जो आपने सामने लाया है. जी 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 जी, वही कोशिश वही है कि ऐसा लगे कि ये जो घर है एक असली घर है और ऐसा लगे कि हम इसी घर में बैठे हैं, इन सबको देख रहे हैं. अगर लोग ऐसा फील करेंगे तो मैं बहुत खुश हूँ. एक मेरी मरी हुई फोटो देख, जैसे मैं बहुत क्यूट लग रहा हूँ दादू. मेरी दादी जिंदा होती तो पक्का आपकी सेटिंग कराया था. अच्छा, तेरी मम्मी नहीं है? अरे लोन का इंस्टॉलमेंट देना था. 3 साल से मैं अपने बिजनेस के लिए मैं बचा रही थी. हो गया, सब मेरे बिना ही शुरू हो गए. तू खाली अपने प्रॉब्लम संभाल. यार आप हर बात में मुझे ताने क्यों मारते हो? तू हमेशा बच्चों की तरह रिएक्ट करता है. अच्छा शट अप राहुल, यू शट अप. जैसे हम बोल रहे हैं कि अभी भी फैमिली जैसे कुछ डिवाइडेड हो रहे हैं या मोबाइल पे ही बात कर रहे हैं, या ये जो है कम्युनिकेशन लूज होता जा रहा है ऐसे लग रहा है, और ये फैमिली शायद कुछ ऐसी है लेकिन जो है खुल के बोल रही है, तो आप क्या देखते हो कि इस फैमिली ये क्या बोल रही है इस बार? सॉरी मुझे आपका मतलब क्वेश्चन समझ. कम्युनिकेशन अभी लूज होता जा रहा है और वी आर गोइंग विद दिस पीरियड, सो आपको क्या लगता है एज अ पर्सन, क्या लगता है? Sorry, I'm not answering your question. Communication gum ho raha. This movie is about overcoming that communication gap. Yeah, I think exactly. Iske andar wo family relations strengthen karna and how to actually let go of grudges and let go of you know the problems hamare darmiyan hoti hai aur jinko hum we let them breathe. So I think it's a very sweet culmination of all these emotions that come together and bring you to a you know to a moral of the story. Let's not draw. 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 Let's not draw.
इन अ वे ऑल्सो ऐसे नहीं कि हम लोग इतनी कोशिश नहीं किए कि हमको आपको ये ही करना है. हम बस एक कहानी की, एक फैमिली की कहानी दिखा रहे कि इन्होंने कैसे कैंडल किया. कभी कभी हम ऐसे सोचते कि नहीं मुझे बहुत महान काम करना है, एक दूसरे के लिए ये करना है. वो कभी कभी सिंपल चीज़ ही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है. सो आई थिंक दैट्स द आइडिया टू जस्ट गो एंड जस्ट बी सिंपल. तो सिंपली जाके फिल्म देखिए. और आप जो टेक्नोलॉजी की आई थिंक बात कर रहे थे, उसके एडवांटेजेस भी हैं. आजकल आप हम लोग सब ऑल ऑफ अस हैव अ फैमिली ग्रुप बनता है जो आप इनसे इन टच रह सकते हैं. तो आई थिंक उसका एक फायदा भी है. फ्लिप साइड ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड हमने ऑफ कोर्स एक कम्युनिकेशन वो आपके ऊपर है, आप कितना कम्युनिकेट करना चाहें. बट एक अच्छा दरिया है सबके साथ एक साथ चैट करने का. दरिया सारे 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 स